सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल भाई। और आज की जो शुरुआत होती है वो हुंदर से होती है, जो लद्दाख के अंदर एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट विजिटेड प्लेस है भाई। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो एक बार सर्च करके देखना। अगर रेगिस्तान का फील अगर लद्दाख में अगर लेना हो, वो भी जून जुलाई के महीने में, मई जून के महीने में, जहाँ पर राजस्थान नहीं जाया जा सकता है, लेकिन सेम वही सारी फैसिलिटीज़, वही सारे नज़ारे, वही सारे आनंद अगर आपको अगर लद्दाख में अगर लेना हो ना भाई, तो एक बार हुंदर सर्च कर लेना। और हुंदर सर्च करने के बाद मैं आज कहाँ पर हूँ, कल मैंने आपको दिखाई दिया कि मैं रुका हुआ था कहाँ पर, लेकिन एक बार मैं आपको पूरे साइट विजिट करवाता हूँ जहाँ पर मैं रुका हुआ था, क्योंकि अल्टीमेट जगह है भाई। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी किसी साइट में हमको रुकने का मौका मिलेगा। एक्चुअली होटल वाले भी जो है ना, वो आर्मी पर्सन है, तो उनका दिल तो वैसे ही बड़ा होता है यार। सो पूरी होटल का नज़ारा दिखाते हैं पूरा। अगर कभी हुंदर आते हो ना तो साइट विजिट करना, मज़ा आ जाएगा यार। तो भाई जैसे आप डिस्किट पहुंचते हैं, डिस्किट पहुंचने के बाद हुंदर पहुंचते हैं ना, तो हुंदर का वो एक्चुअली एक छोटा सा गेट दिख रहा है, वो एक्चुअली सैंड लाइन है जहां पर पूरा एक्टिविटीज़ कराई जाती है, कैमल देन ATV अदर। और वहीं उसी के जस्ट वहां पर आपको मिल जाएगा यार, ये है ड्यून्स गेस्ट हाउस। और इस साइट की पूरा विजिट मैं आप लोगों को करवाता हूँ। मेन रोड पर ही है जिसमें शुरुआत होती है भाई, मेन गेट से। और एक्चुअली आज बाइकर्स रुके हुए बहुत सारे, और बाइकर्स हम आज नहीं हमेशा रुकते हैं, क्योंकि ये जो साइट है ना इतनी अल्टीमेट है, मोस्ट प्रीफर लोग यहीं पर करते हैं ट्रैवल वाले भी, कि इसी साइट में लोगों को रुकवाएं। सो आज इतने सारे बाइकर्स भी रुके हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, इतने सारे कैंपिंग लगे हुए हैं। देन कुछ रूम्स भी अवेलेबल है इनके पास, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार। सो साइट का स्टार्ट होता है यहाँ से भाई, और कुछ नज़ारे ऐसे हैं जिसमें नीले नीले बादल, पीछे पहाड़ वाला व्यू, और ये रूम्स है, देन यहाँ रिसेप्शन है, देन यहाँ पर इनका किचन है, बहुत जल्दी यहाँ पर रेस्टोरेंट भी हो जाएगा इनका। और जैसे ही आप अपने रूम के अगर बैक साइड में जाते हैं ना भाई, तो बैक साइड में इतना बढ़िया व्यू आता है, क्योंकि पीस के बैक साइड में पूरा रिवर है और पहाड़, जो जैसे कि आपको दिख रहा है इधर पीछे साइड सैंड लाइन है, जिसका व्यू जो है ना बहुत ही अल्टीमेट गजब का जाता है। सो ये है होटल का फ्रंट व्यू, देन ये है मेन गेट जहाँ से इनका एंट्रेंस स्टार्ट होता है। देन फिलहाल में इनका टेम्परेरी बेस डाइनिंग एरिया यही है, और इनका ये रिसेप्शन है, और काफ़ी सारे रूम्स है जिसमें मैं आपको एक रूम्स दिखाऊंगा भाई। रूम का जो एंट्रेंस स्टार्ट होता है कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, जहाँ पर ऑलरेडी फायर एक्सटिंग्विशर लगा है आपकी सेफ्टी के लिए यार। और जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं भाई, एक लग्जरी फीलिंग आपके पास आती है, जिसमें ऑलरेडी आपके पास एक मास्टर बेड है, जिसमें ऑलरेडी दो टॉवेल, दो पर्सन के हिसाब से स्लीपर की फैसिलिटीज मिल जाती है, साथ में यहाँ पर पोर्ट रखे हुए हैं, ट्रिपल पर्सन के हिसाब से दो सोफे विथ टू पर्सन सोफे ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए, ताकि अगर आपसे कोई गेस्ट मिलने के लिए अगर आए ना भाई, तो उनको एक लग्जरी एहसास हो। और साथ में अगर मैं इसका वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ, तो भाई आप खुद ही देख सकते हो कि वॉश बेसिन क्या लग्जरी है। देन यार अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाओ यार, है ना। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ भाई, इस प्रॉपर्टी का रूम की सबसे खास बात अगर मैं बात करूँ ना, इससे विंडो से बाहर देखने के बाद जो व्यू आता है ना, आपका दिल गदगद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। और भाई जैसे ही आप बाहर देखते हैं, माउंटेन, देन बर्फीला, देन सूखे पहाड़, जो देखना वो भाई, और साथ में एक कैंपिंग साइट भी है इनकी। देन जो व्यू आ रहा है ना भाई इधर का ये, और अगर मैं फ्रंट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से व्यू आता है भाई कुछ ऐसा भाई, जो ऑलरेडी खतरनाक है भाई, मजा आ गया मेरे को तो देख के। ऐसा लग रहा है कि एक बार तो स्टे करूंगा लाइफ में कभी यहाँ आकर भाई। रूम तो है ही सही, यहाँ पर डोरमेट्री भी अवेलेबल है। सो डोरमेट्री का पहले मैं नज़ारा दिखाता हूँ यार। एक्चुअली डोरमेट्री कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी लग्जरियस है यार। मास्टर बेड भी रखे हुए हैं यहाँ पर, सिंगल बेड भी रखे हुए हैं ना, अगर कोई फैमिली आती तो उनके लिए भी प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि फैमिली ऑलरेडी, हस्बैंड वाइफ यहाँ पे, बच्चे इधर आ ऑलरेडी सो सकते हैं भाई यार। ये सिस्टम तो अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसी डोरमेट्री देख रहा हूँ जिसमें एटलीस्ट मास्टर बेड भी तो है। सो चलो यार, और साथ में मे भी लेट बात कर पाते हैं, है ना। ये वॉशरूम है जो ऑलरेडी काफ़ी स्पेसियस है, और जैसा कि मैंने रूम का बताया था सेम वैसे। और पीछे का व्यू मैं दिखाता हूँ, जो यार खतरनाक वाला है, ये देखो भाई साहब,
माउंटेन और ये सैंड लाइन, सैंड लाइन इधर ही है ना सर? जी जी। सैंड लाइन ये बैक साइड में जाता है जहाँ पर पूरी एक्टिविटीज़ होती है यार। ये जो रेत के टीले दिख रहे हैं उधर, एक्चुअली यहाँ से कम कुछ 500-600 मीटर एक्चुअली पड़ता है यहाँ से। सो फाइनली भाई मज़ा आ गया यार। और भाई जब भी कोई होटल में जाता है ना तो दो ही चीज़ें देखता है, एक सेफ्टी और दूसरा क्लीन। यार क्लीनिंग के नाम पर मेरे को एक कचरा दिखा था यहाँ पर। हर एक चीज़ ऐसी चमक रही है कि पूछो मत, इंक्लूडिंग लोगों का बाथरूम तो इतने स्मेल करता है, देन सारी चीज़ें एकदम सर्फ एक्सल का धुला हुआ। जैसा कि होटल का रूम्स आपने तो देख लिया भाई, होटल के रूम के साथ में जैसे कि मैंने दिखाया था ऑलरेडी, कैंपिंग टेंट्स भी ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है। सो मैं आपको एक झलक कैंपिंग टेंट्स के दिखाता हूँ जो बहुत ही लग्जरी है यार। सो टेंट कुछ ऐसा है भाई जो ऑलरेडी मे बी ट्रिपल लेयर है, एक्चुअली मे बी नहीं एग्जैक्ट ट्रिपल लेयर है, क्योंकि फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, एक लेयर बीच में है जिसमें मुझे नहीं लगता कि ठंड लगने का वैसी कुछ आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा कुछ ठंड वाला कोई मैटर ही नहीं रहेगा भाई। देन ऑलरेडी यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल है, दोनों साइड में दो डाइनिंग टेबल है, देन एक मास्टर बेड है। मास्टर बेड के साथ में अगर मैं बात करूँ तो भाई ऑलरेडी सेपरेट टेंट में भी और वॉशरूम दे के रखा हुआ है और विथ लग्जरी फीलिंग के साथ में भाई। और सबसे बेस्ट इन कैंपिंग का मैं आपको बताऊँ, जैसे आप बाहर निकलते हैं ना भाई तो आप व्यू देखो सामने, माउंटेन वाला व्यू जो ऑलरेडी देखने के लिए भाई इतने दूर आती है ऑलरेडी लोग यार। सो कैसा लगा आप लोगों को एक बार कमेंट में ज़रूर बताना यार। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो ना आप बिंदास कमेंट करके बता देना, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आपको जवाब मिल जाएगा यार। टेंट के साथ में इनका एक डाइनिंग एरिया भी ऑलरेडी, और एक जो ऑलरेडी कुछ इस तरीके से है यार, और मे बी ऑलरेडी कम से कम 15 से 20 लोग बैठने की ऑलरेडी अच्छी खासी व्यवस्था है, और इनका डिनर बफे वगैरह देन ब्रेकफास्ट भी ऑलरेडी यहीं पर होता है। सो यार दोनों तरफ इनका डाइनिंग एरिया एक्चुअली रूम्स के लिए भी सेपरेट है, देन कैंपिंग के लिए भी सेपरेट है, और ऑलरेडी इनका बफे यहीं पर लगता है। और मुझे लगता है कि यार इससे बेस्ट डाइनिंग और कहाँ हो सकता है जहाँ से व्यू भी सीधा माउंटेन का है यार। सो फाइनली पूरी साइट विजिट करवाने के बाद भाई साइट पर जो लोग ऑलरेडी हैं और इन लोगों ने जितना कॉपरेट किया ना यार मज़ा आ गया, और साथ में इतना टेस्टी वाला खाना खाया रात में, तो उसके लिए मैं उन लोगों से मिलवाना चाहूँगा जिन लोगों ने हमें ऑलरेडी इतनी सेवा दी। ये सनी भाई, देन सुमित भाई एंड देन भैया जी, जिन्होंने तीनों ने मिल के यार मज़ा ला दिया रात को, तो खाना भी टेस्टी था, देन इन लोगों का जो इन लोगों ने फैसिलिटीज़ दी ना यार, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हुंदर में कभी ऐसा कोई कुछ मिलेगा। थैंक यू यार आप लोगों को ऐसा। ओके जी, सो फाइनली साइट विजिट देन स्टाफ से मिलने के बाद अब मिलते हैं बारी है यार प्रॉपर्टी ओनर सर है यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं पूरी साइट को। और सर आपका गुड नेम क्या है वैसे? मेरा नाम है जिम्मे शर्मा। जी जी जी, और मे बी आप इंडियन आर्मी से ऑलरेडी? जी जी। ओके भाई, मैं एक्चुअली ना कल से आया हूँ और मैंने एक मिनट के लिए भी नहीं देखा कि ये कभी बैठे हुए करके इतनी मेहनत कर, मैं वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला कल से सर एक मिनट के लिए बैठे हुए नहीं दिख रहे, और सैल्यूट है इंडियन आर्मी वालों को कि यानी इतनी मेहनत करते हैं वह देश के लिए भी और घर के लिए भी है भाई। जैसे कि मैंने सर से ऑलरेडी मिलवा ही दिया हूँ, और रूम रेंट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो मच बेटर रहेगा कि आप खुद कॉल करो, सर से बातचीत करो, और मुझे मालूम है कि ऑलरेडी अगर आप बातचीत करेंगे तो थोड़ा बहुत मेरे तरफ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना सर? जरूर। तो सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारी चीज़ें मैं है ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो पर्सनली आई हैव सजेस्ट दिस प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप मैं खुद यहाँ पर रुका हूँ और यहाँ के ऑनर और स्टाफ का नेचर इतना अल्टीमेट है भाई साहब, मैंने अभी तक कितनी प्रॉपर्टी में रुका हूँ लेकिन ऐसा नेचर मैंने कहीं पर नहीं देखा। सो पर्सनली आई सजेस्ट कि नुब्रा वैली अगर आए ना भाई तो ड्यून्स गेस्ट हाउस छोड़ना मत, अगर यहाँ पर आकर रुके और आपका एक्सपीरियंस बेस्ट ना गया ना मेरे को आकर बोल देना, आप जो बोलोगे मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, इतना मजा आएगा ना भाई मैं बता नहीं पाऊंगा। सो फाइनली मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।